कौल साहिबा, तो अपने और अंगद के रिश्ते के साथ क्या करना चाहती है? एक मौका देना चाहती है या हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है? मैं एक बार अंगद से बात करना चाहती हूँ। इंदर पुत्र, अंगद को फोन लगा, साहिबा उससे बात करना चाहती है। कोई भी फैसला लेने से पहले अंगद और साहिबा का आपस में बात करना जरूरी है। हाँ दर्जी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। लगता है आज भी अंगद मुझे साहिबा समझ के बातें कर रहे हैं। क्या मुझे बता देना चाहिए कि मैं साहिबा नहीं बल्कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आज की हमारी इस बातचीत से ही तय होगा कि हमें हमारा ये रिश्ता आगे रखना है या नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे के लिए इतना कुछ करने के बाद भी हमारे बीच की ये कड़वाहट वैसी की वैसी ही है। मेरे दिल में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। मैंने अपने जज्बात, अपने दिल की फीलिंग्स तुम्हारे सामने रखी और तुमने मुझसे मुंह फेर लिया, चली गई मुझे छोड़ के। हालांकि जब भी मैंने अपने आप को किसी खतरे में पाया, किसी मुसीबत में पाया, मेरी जान पर बनाई, मैंने तुम्हें अपने पास पाया। लेकिन बात जब मेरे दिल, मेरे प्यार, मेरे जज्बात की आती है, तब तुम पत्थर दिल बन जाती हो। I'm confused, you confuse me. क्या मुझे बताओगे कि चल क्या रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? अंगद साहिबा से इतना नाराज है, आज तो पक्का इसने डिवोर्स पेपर साइन कर ही देने। हानी तो कुछ तो बोलो साहिबा, चुप क्यों? उस दिन भी जब मैं अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर कर रहा था, तुम चुपचाप खड़ी थी। मैं बोलता रह गया कि कुछ बोलो साहिबा, कुछ बोलो, लेकिन तुम चली गई वहां से। आज भी जैसे चुप खड़ी हो तुम। आज तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, बोलना होगा तुम्हें साहिबा। जानवर को बताना चाहिए या नहीं कि ये साहिबा नहीं मैं हूं? समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। साहिबा say something, talk to me. साहिबा तू सीरत, तुम? हाँ वो अंगद, मैं तुमसे ही बात करने आई थी और फिर एकदम से। लेकिन मैं तुम्हें साहिबा समझ के बात करता जा रहा हूँ कब से, तुम चुपचाप खड़ी हो। मैं बस बोलने ही वाली थी अंगद। तो बोला क्यों नहीं? बताना चाहिए था ना मुझे कि तुम मुझे साहिबा समझ के बात कर रहे हो। मैं साहिबा नहीं हूँ, मैं सीरत हूँ।